فأوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما وقال تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین بزرگ و دوستو عزیزان دی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام و جمیع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین سب کی خدمت میں السلام علیکم. آج کے اس جمعۃ المبارک میں ملک پاکستان بلکہ دنیا کا بہترین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جی سی یونیورسٹی لاہور سے کافی ہمارے بچے عزیز تشریف لائے ہوئے ہیں اور اگر ڈاکٹر حافظ خورشید صاحب مجھے سن رہے ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں. حضرات گرامی آج کے جمعۃ المبارک پر جو ہم نے ایک اولاد کے سلسلے میں تربیتی ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کی اولاد کے حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آج ہمارا یہ پانچواں خطاب ہے اور پانچویں حق پہ ہم بات کریں گے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اور یہ آپ کو ہی نہیں اس کی زیادہ فکر ہم سے زیادہ وہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جو دوسرے ملکوں میں ہیں خاص طور پر
अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं या यूके में हैं, उनकी तवज्जो के लिए ख़ास तौर पर, वैसे तो हर मुसलमान के लिए है कि अपनी आने वाली नस्ल की फिक्र भी करें और हिफाजत भी करें। और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में बिलउमूम माँ बाप की जो ग्रिप है वो अपनी औलाद पे ख़त्म हो रही है। माँ बाप का मुंह अगर मशरिक को है तो बेटे ने मगरिब को किया हुआ है। माँ बाप चाहते हैं ये ऐसा करे, औलाद चाहती है नहीं जनाब हम ऐसा करेंगे। एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल आ गई है। और फिर उसके साथ साथ बीइंग मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए एक मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल सूरत हाल ये है कि हमारा जो दीन है इस्लाम और उसकी जो तालीमात हैं कुरान और सुन्नत का पूरा एक जो निज़ाम है, दुनिया के मौजूदा निज़ाम में और कुरान और सुन्नत के निज़ाम में इस कदर बज़ाहिर दूरी हो गई है कि माँ बाप मुश्किल में हैं कि हम दोनों में से किधर जाएं। ये सबसे मुश्किल सूरत हाल है। और दर्द दिल रखने वाला हर माँ बाप इस बारे में फिक्रमंद है कि वो क्या करे। और जाहिर है मैं हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान करम से, आपकी रूहानी तवज्जोहात से, आपके फैज़ान से मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा और इस कॉन्सेप्ट को अपनी इल्म और हिम्मत के मुताबिक क्लियर करने की और कुछ अर्ज़ करने की जसारत करूँगा कि हम उसकी रोशनी में अपनी औलाद के लिए बेहतर डायरेक्शन, बेहतर रूट्स कैसे हम मुतय्यन कर सकते हैं। आज की गुफ्तगू में हम इल्म तालीम की अहमियत पर भी कुछ बात करते हैं और उसके साथ साथ जो औलाद की तालीम और तरबियत का हक माँ बाप पर है उस पर कुछ बात करेंगे। और ख़ास तौर पर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो दो टर्म्स हैं तालीम और तरबियत, इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं समझता हूं कि अगर हमें इन दोनों की समझ आ गई, बीइंग पेरेंट्स के दोनों से मुराद क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ अपनी आने वाली नस्ल के लिए बेहतर रूट्स और बेहतर चीज़ें, बेहतर डिसीजंस हम ले सकेंगे। और मैं चलते चलते ख़ास तौर पर जो मैं हमेशा तवज्जो दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ जो बेटी और बेटे में फ़र्क करके जो बेटी को माशरे में नज़रअंदाज किया जाता है, उसके तालीम के हक में, उसकी तरबियत के हक में, बल्कि ग़िज़ा के हक में, मैं उस पर ज़रूर तवज्जो दिलाऊँगा माँ बाप की। और ये कितने दुख की बात है मैं यही बताता चलूँ, ये मेरे इल्म में है कि माएँ जो है ना, गौर नाल सुनो, माएँ बेटियाँ वो जितनी जुस्तजू अपने बेटे को दूध पिलाने में करती हैं बेटी के लिए नहीं करती, इसका जवाब भी अल्लाह को देना है, इसका जवाब भी अल्लाह को देना है। इसलिए कि रब ने तो कोई फर्क नहीं ना रखा, अता करते हुए रब ने जब कोई फर्क नहीं रखा और तुझे देने में रब ने फर्क नहीं रखा, तू आगे तकसीम करने में क्यों फर्क रखता। बल्कि बीइंग फादर, बीइंग पेरेंट्स, मैं इसमें क्लियर हूं, मेरा इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि बेटी उसकी ग़िज़ा और बेटी की तालीम, इसकी अहमियत मेरे नजदीक बेटे से ज्यादा है। स्पेशली जो एशियन हमारा कल्चर और माशरा है और इसके अंदर हमारे माशरे की बेटी, जो आज बेटी है कल उसने मां बनना है, उसने कल जिन जिम्मेदारियों को और जिन सरकमस्टांसेस में वो माशरे में आगे बढ़ रही है, ऐसी सूरत हाल में मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूं कि बेटी की फिजिकल फिटनेस, उसकी गिजा और उसकी जो जिस्मानी जरूरियात और उसका लिहाज रखना है वो ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू सन और आपके बेटे के। इसलिए कि उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो
ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बढ़ गई हैं आज के हमारे इस माहौल और मुआशरे के अंदर। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयात पढ़ी हैं उसमें बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म और तालीम की बात की है। और याद रखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, तफसीली वाक़या सूरह बकरा में भी है और सूरह शुआरा में भी है, सूरह साफ़ात में भी है, ये मजमून पूरा कई जगह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो फरिश्तों ने एतराज किया, और एतराज क्या किया कि तू उसको पैदा करना जा रहा है कि जो जमीन में यस्फिकुद्दिमा खूनरेजियां करेगा, फसाद फैलाएगा। और उसके जवाब में कहा कि नहनु नुसब्बिहु बिहमदिका व नुकद्दिसु लक, मौला तेरी तस्बीह तहलील तामीद तकदीस के लिए सजदा रुकू के लिए हम काफी हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम माला तालम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इल्म और तालीम की अहमियत पे फोकस रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम की सिनेरिटी को प्रूफ करने के लिए, जाहिर करने के लिए सिर्फ अपने ऑर्डर पे रिलाई नहीं फरमाया, सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया कि चलो सजदा करो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा वस्फ दिया, एक ऐसी खूबी दी, एक ऐसा कमाल दिया जो फरिश्तों के पास नहीं था, और फिर अल्लाह ने उसका जुहूर किया फरिश्तों के सामने। वो क्या, वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म दिया जो फरिश्तों को नहीं दिया हुआ था। हर चीज का इल्म दे दिया, अशिया का तफसीली इल्म दिया, पहले आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया, इल्म दे दिया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, इल्म देने के बाद वो चीजें फरिश्तों के सामने रखी। फकाल अंबिउनी बिअस्मा, फरमाया इन्हां दे नाम दसो की चीजें ने। फोकस इल्म पे, इधर उधर नहीं जा रहा मैं, इल्म की और तालीम की अहमियत पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से पूछा कि इन चीजों के नाम बताओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम्हारा दावा ये सच्चा है। कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, फरमाया मौला हमें तो इनका इल्म नहीं है, हमें तो उतना इल्म है जितना तूने दिया है। क्या मतलब, इनका इल्म तूने हमें नहीं दिया तो हमें नहीं है। अब सुनिए, आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, हां भाई आदम अब तुम बताओ, तो यकीनन आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया तो फरिश्तों के सामने क्या चीज जाहिर हुई, फरिश्तों के सामने यह चीज जाहिर हुई, तवज्जो है जुमले में, फरिश्तों के सामने यह बात प्रूफ हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म हम फरिश्तों से ज्यादा है। यह पॉइंट समझने वाला, फरिश्तों को क्लियर हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म हमसे ज्यादा है। जब यह बात क्लियर हो गई ना, प्रूफ हो गई कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म ज्यादा है, अब अल्लाह फरमाया उस जुदूले आदम, चलो चूंकि आदम तुमसे अफजल है इसलिए अब सजदा करो। फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत की बुनियाद, फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत की बुनियाद इसके सिवा कुछ नहीं सिवाय इल्म के, सिवाय इल्म के। माल भी जरूरी, जिस्मानी ताकत भी जरूरी, हुस्नो जमाल भी जरूरी, हर चीज जरूरी, दुनिया में रहने के असबाब है ना,
अल्लाह ने फरमाया इख्तियार करो जायज तरीके से, फरमाया लेकिन अगर अफजलियत की बात आएगी, अल्लाह ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर न जिस्मानी लिहाज से, न मालो दौलत के लिहाज से, न किसी और चीज के लिहाज से, अल्लाह के हां अगर अफजलियत का मायार है फरमाया वो इल्म है। मैं इस बात को कुरान पाक की एक और आयत से रिलेट करता हूं, ऑथेंटिक करता हूं। हमारा आपका तमाम मुसलमानों का बिलखसूस आहले सुन्नत व जमात का, आहले मोहब्बत आहले इश्क का ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कायनात में सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम, कुरान का ऐलान है महबूब जो तुझे नहीं पता था ना सारा तुझे हमने दे दिया। बल्कि ये इल्म की बात नहीं, हर वस्फ, हर खूबी, हर कमाल, हर उरूज, हर अजमत जो दी जा सकती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपने महबूब पे बिल्कुल टॉप पे जाके सबसे ज्यादा जाके उसे फरमा लिया। हर मर्तबा के बूद दर इमकान बरू तमाम, जो मुमकिनात में से था, मुहालात में से नहीं, जो मुमकिनात में से था, जो दर्जा, दो मकाम, जो इज्जत, जो कुछ दिया जा सकता था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर उसे मुकम्मल कर दिया, खत्म कर दिया। ये सारा कुछ दे दिया, सब कुछ अता कर दिया, एंड तक अपने तमाम इंतहा और कमाल तक देने के बाद भी, पूरा कुरान उठा के देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अगर किसी चीज में ज्यादती के लिए, इजाफे के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर महबूब अलैहिस्सलाम को कुछ फरमाया है और फरमाने का अंदाज भी कुरान के अल्फाज में कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये हर मुसलमान को आती है याद है, हर स्कूल कॉलेज मदरसे के टॉप गेट पे लिखी हुई होती है। लेकिन इस एंगल से तवज्जो करें, हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कमाल दर्जे की अता कर दी, इतने कमाल की अता कर दी कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाया महबूब अगर मुझसे मांगना है ना कुछ, अगर लेना है तो महबूब मुझसे दुआ ये किया कर, रब्बि ज़िदनी इल्मा, मौला मेरा इल्म और बढ़ा दे। मेरे इल्म में इजाफा कर दे। एक इसकी अहमियत इस एंगल से देखें, अल्लाह ने सब कुछ देने के बाद वह मिन उलूम का इल्म लौह वल कलामी, महबूब लौह कलम तो आपके बस है, मैं छोटा जाए बस कुछ, बल्कि मैं तो इसमें क्लियर हूं, मेरा मौजू आज ये नहीं है। लौह कलम तो हुजूर के गुलामों की नजर में रहती है, वो तो सरकार हाँ लौह महफूज तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों की नजर में रहती है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, मैंने हुजूर गौसे पाक की करामत सुनाई थी मोहम्मद अरबी वाली, दुरानी नहीं है, समझ आ गई। एक लम्हे में हुजूर सैयदना गौसे पाक ने पूरी लौह महफूज पढ़ के देख फरमाया मोहम्मद अरबी तेरे मुकद्दर ही बेटा नहीं, तो मोहम्मद अरबी फरमा हुजूर इतना तो मैंने भी पता, इतना तो मुझे भी पता। आगे चले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर वही की जो इब्तिदा की है, वही की जो इब्तिदा की है वो जिन पांच आयतों से है, वो पढ़ने से शुरू होती हैं, पढ़ने से इकरा, महबूब पढ़िए, अल्लम अल इंसान अमालम या आलम, पांचों आयतें सिर्फ और सिर्फ इल्म से रिलेटेड है। इन आयात की रोशनी में, और आगे बहुत इसमें तफसील है, सिर्फ कुरानी आयात तक रहता हूं, इससे किसी मुसलमान को बिल्कुल कोई शक और कोई इबाम नहीं होना चाहिए, कोई शक और इबाम नहीं होना चाहिए कि इल्म की अहमियत क्या है। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, वो मां बाप जो कहीं भी हैं सुन रहे हैं, कभी सुनेंगे जाहिर है, ये पता नहीं कब तक, अल्लाह भला करे क्यू टीवी का, समझ आ गई, शाम तक ये अपने चैनल पर चढ़ा देते हैं, पता नहीं जब तक दुनिया है ये रहना है, दुनिया ने सुनना है मुसलमान की इज्जत,
हुजूर के गुलाम की इज्जत जो है वो सबसे पहले इलम और तकवा की वजह से है, बाकी सारी बातें किसी और चीज की वजह से नहीं है। इलम की अहमियत, इससे बढ़कर और क्या होगी। गज़वे बदर में जब कैदी बने ना कुफार 70, तो उनके छुड़ाने के लिए बात आई बहन को, तफसीली वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनफाल में जिक्र किया है। तो उसमें एक शिक ये भी रखी गई कि कैदियों में से जिसे लिखना पढ़ना आता है, कुफार कैदियों में से, बदर के कुफार कैदियों में से जिसे लिखना पढ़ना आता है, वो मुसलमानों के 10 अफराद को लिखना पढ़ना सिखा दे, हम छोड़ देंगे, जाओ। आज अगर कोई मुंह उठाकर ये कहे कि मुसलमानों का इलम से क्या ताल्लुक है, यार हमारी कमजोरी हो सकती है, ये हमारा फॉल्ट हो सकता है, एज नेशन हमारा फॉल्ट हो सकता है, एज उम्मत हमारी कमजोरी हो सकती है, हमारे दीन की कमजोरी नहीं है, ना अल्लाह के फरमान में कमजोरी है, ना अल्लाह के महबूब के फरमान में, उसमें कोई कमी नहीं। तो इस पर क्लियर होना चाहिए। और जिनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे, ये कहने का पैगाम क्या है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, जिनकी बच्चियां नहीं पढ़ रही, समझ आ गई। और माइंड सेट तो बदकिस्मती से कैसे ऐसे लोगों का भी है, समझ आ गई, यार पुत्र ज्यादा रोज 100 भी कमा के लिया, 1000 तो लाया सन ना, जा तेरी सोचते की कहना, काश तूने, तवज्जो है जुमले में, काश तेरी सोच ये होती कि तू मजदूर नहीं पैदा कर रहा, तू मजदूर नहीं पाल रहा, काश तू हुजूर की उम्मत का सच्चा गुलाम और को लीडर पाल रहा होता, समझ आ गई, जो तुझसे आगे बढ़ता, जिसकी मंजिल, जिसकी सोच, जिसकी अप्रोच, समझ आ गई, वो तेरे से आगे होती, तेरे से बेहतर होती, तुझसे अच्छी होती। तो इल्म की अहमियत को समझें। अब आइए अगले स्टेप पर, इल्म से मुराद क्या है, तवज्जो है जनाब, बस यहां से क्लियर होना थोड़ा सा बाकी है, समझने वाली बात है। एक एजुकेशन और इल्म वो है जिसको डिग्री के साथ, जिसके पैरामीटर्स डिग्री के साथ हैं, तवज्जो है, प्राइमरी का सर्टिफिकेट है जी, मिडल का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की डिग्री है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, एफए बीए एफएससी बीएससी बीबीए, समझ आ गई, वो तो हूँ इन्ने ढेर सारे जेड़े सन भी नहीं पता, समझ आ गई, बटा पर अच्छी बात है, इलम में तनव है, सुबहान अल्लाह, समझ आ गई, तहकीकात हैं, सुबहान अल्लाह, ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं, ऐसे ऐसा इलम है, समझ आ गई। ये वो सारी चीजें हैं जो डिग्री के साथ पैरामीटर्स के जरिए, जिनको नाप तोल लिया गया है, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं, उस डिग्री के साथ हम अंदाजा लगाते हैं कि इसकी एजुकेशन, इसकी तालीम इस लेवल की है, ठीक है जनाब। यह इसलिए है कि वो बुनियादी तौर पर उसकी बेस पे नौकरी रोटी रोजी जॉब, समझ गए हो कोई ना। अगर मैं एक जुमला आपकी तवज्जो के लिए अर्ज कर दूं, मुझे उम्मीद है आप मेरी तायद करेंगे, आजकल क्या है, आजकल एजुकेशन फॉर डिग्री, एजुकेशन फॉर डिग्री, डिग्री फॉर जॉब है जी, नहीं कोई और तीसरा मकसद, कोई और तीसरा मकसद, कोई नहीं। और दीनी मदारिस भी यही हाल है, आए ना समझना, मैं कोई सब की बात कर रहा हूं, एजुकेशन फॉर डिग्री, डिग्री फॉर जॉब, और जॉब में क्या है कि बड़ी तो बड़ी जॉब लब्बे, समझ आ गई, ताकि दुनिया आसूदा हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि जिंदगी का मकसद ही अब यही है, तो उसके सिवा कुछ नहीं होगा। यह तालीम है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकॉले जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद आया, और जिसने आकर इस स्कूल सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम की जिसने बुनियाद रखी है, जहां से डिग्रियां और फिर आगे मरे कॉलेज और पता नहीं व्हाटएवर जो भी हिस्ट्री है, मेरा क्वेश्चन यह है, तवज्जो तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ दावत फिक्र दूंगा आपको। और यार ये तो पहले जितना जमाना गुजरा सारे अनपढ़,
इससे पहले जो टाइम गुजरा है वो अनपढ़ सन सारे ना। इसका मतलब क्या है? वक्त और जमाना गुजरने के साथ, वक्त और हालात और जमाना गुजरने के साथ एजुकेशन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो गई है। फर्क क्या पड़ा है वो फर्क मैं आपको बताने लगा हूं। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक तालीम और एक तरबियत। तालीम और तरबियत। अगर मैं ये कह दूं तालीम आम है, तालीम पे जोर है, तालीम के लिए पूरी कोशिश है, होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं, मैंने खुद तवज्जो दिलाई 20 मिनट इसी के ऊपर, इसकी अहमियत का एहसास दिलाया। जो चीज खत्म हो गई है, जिस चीज का फुकदान है, जो चीज हमने जिंदगी से निकाल दी है, जिस चीज को हमने अपनी आने वाली नस्लों से निकाल दिया है, माइनस कर दिया है, वो तरबियत है। क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जिंदगी की अकदार, अखलाकी अकदार, मजहबी अकदार, दीनी अकदार, मुआशरती अकदार, मुल्की अकदार, वो सारी खत्म, वो कहीं डिस्कस नहीं होती हैं। ये कोशिश तो है कि ये बड़ी डिग्री वाला इंसान बने, बड़ी डिग्री वाला इंसान बने, इस तरफ ध्यान कोई नहीं है कि अच्छा इंसान बने। अब आप कहेंगे कि जनाब ये कैसे मुफ्ती साहब ने बात की है, जिसके पास इतनी बड़ी डिग्री उसके अच्छा होने की ना। मैं आपको, आप मुझसे ज्यादा इस माशरे की हजारों एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। आपका क्या ख्याल है? थोड़ी सी तवज्जो के लिए बतौर दलील, ऐ जड़ी करप्शन कर दिन ए मजदूर करदा, ऐ जड़े इदारे तबाह होंदे न, तो जड़े इदारे में भर्ती होंदे न, अनपढ़ होंदे न सारे, क्या ख्याल है आपका? ऐ वड़े वड़े सियासतदान जड़े न अनपढ़ लगदे न, डिग्रियां ते वड़ियां वड़ियां पूरियां फाइलां डिग्रियां दे भरी, क्या ख्याल है? हॉस्पिटल्स में, ये तवज्जो और इस्लाह के लिए, हॉस्पिटल्स के अंदर मरीज मर रहे होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जनाब है तनख्वाह थोड़ी है, ऐनी तनख्वाह दोगे तो चेक करेंगे। क्या मतलब? तालीम तो है, तालीम तो है, क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तालीम तो है, तरबियत नहीं है। तालीम तो है, तरबियत नहीं है। और अगर तरबियत नहीं की है तो डॉक्टर बनाने का मतलब कसाई, जिसके दिल में इंसानियत की हमदर्दी वाला दिल नहीं है, क्या ख्याल है? और अगर वो पढ़ाने वाला प्रोफेसर भी है, कह जनाब एनी फीस दोगे तो पढ़ाना तो नहीं पढ़ाना, मैं कोई गरीब आ गया तो नहीं पढ़ा दे, कोई बात नहीं। और मैं आज बड़े तादी से नेमत के तौर पे फख्र के साथ कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, एक तबका मुआशरे में ऐसा है, अभी तक, कल तो मैं नहीं पता, एक तबका ऐसा है जिन्हें अज तक ये नहीं आख्या व तनख्वाह एनी दे सो तो नमाज पढ़ानी नहीं, तो मैं को नहीं पढ़ानी, तनख्वाह इन्नी दे सो तो मैं अजान देनी नहीं, तो को नहीं देनी, की ख्याल है? एक तबका अल्लाह, क्यों? फर्क की वजह पता है आपको? फर्क की वजह सिर्फ यह है कि वो जो कुछ पढ़ते हैं ना, होती वो भी डिग्री है, वो भी एजुकेशन है, सिस्टम वही है, लेकिन गाहे बगाहे कभी ना कभी उनके सामने तरबियत की बात की जाती है। वो रोल मॉडल अपने लिए खुलफाए राशिदीन को समझते हैं या हुजूर की उम्मत के औलिया और गुलामों को समझते हैं। तवज्जो तलबा, मैं इस मौजू को कंटिन्यू रखूंगा, इस पर कुछ बातें मजीद इसकी अहमियत के पेश अर्ज करनी है, लेकिन एक चीज यहां मैं एंड पे बताऊंगा, तरबियत का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें, और उसको समझने से पहले
हजारा लखा लोग पिंड थां दे जिम्मेदार समझ आ गई सारे, उन्होंने अगर फसल अच्छी लेनी हो ना, फसल अच्छी लेनी हो तो उदे गोडी कर दें। गोडी क्यों कर दें? फसल के अलावा जो बाकी जायद जड़ी बूटियां है उन्हों निकाल देते हैं। दरख्त को अगर जिम्मेदार चाहे कि खूबसूरत और ऊंचा निकले तो की कर दें, कुलाड़ी मार के ना उदियां जायद शाखा कट दें। समझ आ गई? तो जे टेढ़ा हो रहा हो तो नाल टेक ला दें, दें। बस सीधा जावे है या नहीं? अगर दरख्त को खूबसूरत और ऊंचा निकालना हो उसकी कांट छांट जरूरी है, उसकी कांट छांट जरूरी है। तरबियत का मतलब ही कांट छांट है कि तेरा बच्चा तेरी बच्ची जो कुछ कर रहा है ना, अगर उसे जरूरत है रोकने की, अगर उसे जरूरत है समझाने की, अगर उसे जरूरत है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, उसका हाथ पकड़ के उसके रोक के बताना पुत्र इंज नहीं करीदा, ऐ काम से ये तरबियत। ये कहना जना बच्चे ने कुछ नहीं कहीदा, वो बच्चे नहीं तो कुछ कहीदा, वड्डे ने क्या दा क्या फायदा, कुछ सुनदा वड्डा, वड्डे तो सुनदे मनदे ही नहीं, बच्चे नु ही तो कहीदा। और उनकी खास उम्र है ते होर बड़ी सादी जी गल, ए वांस अगर सीधा करना होवे ना, बांस है बाबा हसदा पिया वा मौली साहब के समझ आ गए। बांस अगर सीधा करना हो ना तो आपको पता है उसको आग में से गुजारते हैं, सेक दे के सीधा कर देन, उत्ते भार पान देन, ते सीधा होंदा या नहीं होंदा? के ख्याल है? ये कांट छांट और इसका मतलब ये है, पैगाम ये है, अगर आप ये चाहते हैं, और कौन नहीं चाहता, सारे चाहते हैं लेकिन तवज्जो नहीं करते, अगर आप ये चाहते हैं और सब ये चाहते हैं तो बच्चों को अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे अंदाज के, हाँ मैं कुटन मार कुटाई की गल नहीं करन पाया, जो लौड़ पवे तो भी ला दे दी होंगी, हाँ नहीं लेकिन नहीं, तरबियत के साथ उसको समझा कर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बेटी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पर्दे के बारे में कि पर्दा क्या चीज है, पर्दे के फवायद क्या हैं, पर्दा मेरी सेफ्टी मेरी सिक्योरिटी के लिए है, अल्लाह ने मुझे जैसे बनाया हुआ है उसकी नेचुरल रिक्वायरमेंट जो है वो हिजाब है, जब उसको समझ आ जाएगी ना, जब उसका इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब उसको समझ आ जाएगी ना, प्यो भावे तके ते भावे ना तके हैं, घरज को बंदा होवे तो भावे ना होवे, वो कल्ली घर जावे या प्यो बिरा दे नाल जावे, जब उसको पता है ना कि पर्दे का कॉन्सेप्ट क्या है वो गड़बड़ नहीं करेगी। समझ आ? मैं कई बारी दाता साहब दे सकते पूरी दुनिया जाइदा ना, कई बारी मैं आप अपनी गुनागार अखा नाल तकिया तवज्जो और इसलाह के लिए, कई बीबियां बचियां ना जब एयरपोर्ट वड़दियां ना उन्हें बुरके पाए होंगे घर वाले छड़न आए होंगे ना, जना पाकिस्तानी छड़न आए उन्हें बुरके पाए होंगे, हिजाब लिया हुआ होता है, तो जब एयरपोर्ट के अंदर वड़ पैदियां ना तो कई जो दुबई शुबई वाली फ्लैट हो तो बड़े नजारे होंगे तकन आए। समझ आ गई? वो फ्लैट लैन तो पहले पहले उन्हें हर शह ला के खीसे पानी जनाब, समझ आ गई, तो बिचो असल बहार आ बैना। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको पता नहीं है, उसको एहसास नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं है। मैं अगले दिन जीसी यूनिवर्सिटी में होने वाले एक लेक्चर मौलाना तारिक जमील साहब का मैं सुन रहा था, अपने ज़माने के हर बंदे को सुनना चाहिए ना, समझ आए, पता करना चाहिए। वो अपनी जीसी यूनिवर्सिटी की लाइफ को डिस्कस कर रहे थे और वो बता रहे थे कि 18 साल तक मैं पता ही कोई नहीं सी, वह नमाज के तो कुरान के तो हदीस के तो कुछ है पता ही कोई नहीं सी। क्या ख्याल है? अल्लाह ताला जब हिदायत के रास्ते कुशादा करना चाहे लोगों के लिए, तकवा परहेजगारी और खौफ खुदा दिल में डालना चाहे तो उसने कोई उम्र तो नहीं रखी हुई ना, क्या ख्याल है? लेकिन जब समझ आ जाए तो जिंदगी के किसी हिस्से में भी समझ आ सकती है, ना आए तो जिंदगी के किसी हिस्से में भी समझ नहीं आ सकती है। तो इसलिए तरबियत और तालीम इन दोनों पर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। और दाता साहब की रिवायात में से ये बिल्कुल नहीं है लेकिन आज मैं अपने अफसरान की इजाज़त के साथ और दाता साहब की जो कलेब्रेशन है महकमे औकाफ की जीसी यूनिवर्सिटी के साथ
उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। वो ये है कि मेरा ख्याल है आप में से सुनने वालों में थाउजेंड रावियंस होंगे, समझ आ, हज़ारों की तादाद में मेरे सुनने वाले रावियंस मौजूद होंगे, समझ आ गई। जहाँ और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि उसने मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरीन, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन की लीडरशिप है वो कौम को दी, हर फील्ड में दी है, अदब में, तसव्वुफ में, लिटरेचर में, बाकी चीज़ों में, हर चीज़ में, तमाम फ़नून लतीफ़ा में, अदबियात में। तो वहाँ की मस्जिद जो है ना वो ज़ेरे तामीर है, समझ आ गई। और मैं कल वीसी साहब से मिला था, मैंने कहा जनाब ये तो दाता साहब के कदमा चे ते साडा इकबाल इत्थे पढ़िया, तो इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और ख्वाब भी ख्याल भी दाता साहब के कदमा च बह के आया, बात समझ गए। अब आपकी तवज्जो मैंने दिला दी है, समझ आ गई, छोटा सा काम है। तो मेरे सुनने वाले तो मेरे ख्याल मसला ही कोई नहीं, दाता हजूर दे सदके, समझ आ गए। किसी फर्द को पर्सनल नहीं देने, नेट के ऊपर तमाम डिटेल मौजूद है, क्यों हाफिज साहब, समझ आ गए, यूनिवर्सिटी का अकाउंट, बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, समझ आ गई, डायरेक्ट उसमें डालें और ये रिवार्ड दें, ये वापसी करें, ये वापस, ये पे बैक करें, समझ आ गई। वहाँ की उस अजीम शान और जो वी सी साहब का विजन है कि वो मस्जिद आम मस्जिद नहीं होगी, पाकिस्तान की मॉडल मास्क होगी, समझ गए। तो इंशाल्लाह इसमें आपको तवज्जो दिला दी है, उसकी डिटेल मैं अपने फेसबुक पेज पर अकाउंट्स की शेयर करूंगा, समझ आ गई, ताकि आप लोग डायरेक्ट वहां पे डिपॉजिट करा सकें। और मैं चाहता हूं कि उनका जो टारगेट है, वो कह रहे थे कि जनाब आने वाले रबीउल अव्वल में जो है ना हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम अल्लाह की बरगाह में सजदा करें, और मैंने कहा जनाब ये तो पहले ही हो बहनी इंशाल्लाह, बस तो काम ही कोई नहीं। अल्लाह ताला कार खैर में हम सबको तामन की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل رب زدني علما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم ابدا لا سيما على اولهم بالتصديق امير المؤمنين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى اعدل الاصحاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى جامع القران امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدنا ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الانصار والمهاجره وعلينا معهم يا اهل التقوى واهل المغفره اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان والف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.